नजर बदलिए नजारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलिए किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HOCD के अंतर्गत जो मुख्य डाउट्स, मुख्य सवाल जो निकल करके आते हैं, उन सबके मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यही डाउट रहते हैं और इन्हीं डाउट को लेकर के जाकर के गूगल पे सर्च करते हैं और वहां से फंस जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, जितने सवाल मेरे पास में अब तक आए हैं, तो इन सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। और जवाब देने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं, सवाल लेते हैं और उनके जवाब मैं दूंगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है और इस वीडियो के अंतर्गत हो सकता है बहुत सारे लोगों के अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, ठीक है? पहले देखिए, फिर समझिए इस बात को, और फिर अपना कोई भी ओपिनियन हो, कोई सवाल हो, तो फिर वह कमेंट के माध्यम से आप हमारे तक भेज सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। बहुत सारे लोगों का इसके अंदर सवाल रहता है कि जब मैंने कोई एक्टिविटी को ऐसी को देख लिया, या मैं उस एक्टिविटी में शामिल क्यों हुआ? अगर मैं गे नहीं हूं, बाइसेक्सुअल नहीं हूं, तो मैं उस एक्टिविटी में क्यों शामिल हुआ? मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बचपन में या कभी भी कहीं भी कोई ना कोई एक्टिविटी तो हो ही जाती है। किसी ने जानबूझ करके कर ली, किसी ने अनजाने में कर ली, किसी ने खुद से कर ली और किसी और ने उनके साथ कर ली, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो अपने आप को दोषी न माने, सामने वाले को दोषी न माने। सबसे पहली चीज़ तो यह समझ लो कि इसके अंदर आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो आप ये चीज़ नहीं करते। आज आपको गिल्ट हो रहा है ना, आज इसके प्रति आपको ज्ञान है तो गिल्ट हो रहा है। उस समय ज्ञान नहीं था तो कोई गिल्ट नहीं था और वो सब कुछ आपने कर लिया। दूसरी चीज, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं उस एक्टिविटी में शामिल क्यों हुआ? तो मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था, फ्रिज वाला, याद है ना, कि आपको बहुत जोर से भूख लगी है और आपने जाकर के घर पे कुछ है नहीं खाने को, तो फ्रिज में कुछ पड़ा था, वो खा करके भूख को शांत करने का कोशिश किया। तो इस बात को समझिए ना, यह सब बातें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना? दो बातें मैंने पहले क्लियर कर दी, एक स्वयं को दोषी नहीं मानना, दूसरा जिसने आपके साथ में कुछ किया है या आपके साथ एक्टिविटी में शामिल रहे उसको दोषी नहीं मानना, ठीक है? इन दोनों लोगों को दोषी नहीं मानना है, स्वयं को और सामने वाले को जो एक्टिविटी में शामिल रहा है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे जो मेल हैं जो HOCD से सफरिंग कर रहे हैं, उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यही रहता है कि अगर मान करके चलो आपकी बात को सर मैंने मान लिया कि मेरे को HOCD है, ठीक है, तो फिर मेरा लड़कियों में अट्रैक्शन कम क्यों हुआ? पहले तो मेरा बहुत अट्रैक्शन था, या मेरा ऐसा अट्रैक्शन था, अभी तो मेरा डाइवर्ट हो गया, अभी तो मेरा ध्यान इधर लड़कों की तरफ रह रहा है। तो मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात है, समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए आप स्कूल में टीचर लगे हुए हो, ठीक है, आप स्कूल में टीचर हो और आपका ड्यूटी होता है मॉर्निंग 9 से लेकर और शाम को 7:30 बजे तक, ठीक है? और 7:30 आप घर पे आते हो, तो मान करके चलो 8:30 बजे तक तो आप अपना रेडी वगैरह होते हो, घर पे आने के बाद चेंज करना, बाकी सब कुछ करना। अब मान करके चलो आपकी ड्यूटी को 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक कर दिया, तो बाकी के 2-3 घंटे में आप कहीं ट्यूशन वगैरह करवा सकते हो ना किसी को, करवाओगे या नहीं करवाओगे? और अगर पहले आप ट्यूशन करवाते थे किसी को 3:30 बजे के बाद में, मान करके चलो 4:30 से लेकर 7:30 तक किसी को ट्यूशन करवाते थे, और अभी आपका ड्यूटी 9 से 6:30 का वहां कर दिया, अब करवाओगे? डाइवर्ट हो गया ना। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अब इस बात से समझे या नहीं समझे कि आपका ध्यान आधा उधर चला गया है ना, तो इधर तो अट्रैक्शन कम होगा। अब आप ये सोचते हो कि मेरा अट्रैक्शन कम हो गया, इसका मतलब मैं तो गे बन गया, मैं तो बाइसेक्सुअल हो गया। अरे ऐसा नहीं है, जो प्रॉब्लम ने आपको घेरा है ना OCD वाली ने, उस प्रॉब्लम के थ्रू आपका ध्यान वहां डाइवर्ट हो गया। यानी कि पहले आप कहीं पे 9 बजे से लेकर 6:30 बजे तक बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल में, अभी आपका ड्यूटी 9 से 3:30 का कर दिया, तो बचा हुआ टाइम आप उधर दे रहे हो ना। अभी समझे मेरी बात से या नहीं समझे? और जो ये समस्या आपको आ रही है ना, ये OCD वाली है, ये OCD की समस्या है, तो उसके अंतर्गत आपका इसमें टाइम जा रहा है। अच्छा, इस बात से भी हट करके एक और एग्जांपल देता हूं, उसको समझिए। जिन जिन लोगों को OCD है, जब उनको OCD नहीं थी,
तो उनका पूरा फोकस उसमें रहता था ना, अपने काम में अच्छे से पढ़ाई किया, खेला कूदा, अपनी फैमिली के साथ में रहा, इंजॉय किया। अब जब से ये प्रॉब्लम हुई है तब से बहुत सारे लोग तो कंपल्शन करने में लगे रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग अपनी उधेड़बुन में चलते हैं ना। अब उतना टाइम सभी चीज़ों को दे पाते हो? जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उनको ओसीडी की समस्या है तो उनकी उधेड़बुन ओसीडी वाली भी चलती है ना। पहले पूरा 6 घंटे फोकस करते थे पढ़ाई पे, अब 3 घंटे ओसीडी के और 3 घंटे पढ़ाई के, है कि नहीं है, डाइवर्ट हुआ ना। तो मैं यही समझा रहा हूँ जो मेरा सवाल था उसके अंतर्गत, कि आपको ऐसा लगता है ना कि आपका लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन कम हो गया है। अट्रैक्शन कम नहीं हुआ, आपका जो फोकस है ना जहां लगाया जा रहा था वो डाइवर्ट हो गया, वो हाफ इधर चला गया हाफ उधर चला गया। समझ गए ना सवाल का जवाब, मिला या नहीं मिला? और आपको डाउट क्या रहता है कि मेरा तो लड़कियों में अट्रैक्शन कम हो गया, चलो मैं तो गे बनने वाला हूँ, गे बनने की श्रेणी में जा रहा हूँ, मैं तो बाइसेक्सुअल बन गया। ऐसा नहीं है, एच ओसीडी वालों के लिए जवाब दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और फिर इससे डरते हुए वो जा करके गूगल पे सर्च करते हैं और फिर गूगल से आकर के आगे उनकी समस्या बढ़ती है। यही समस्या है, आप समझ लीजिए। काफी डिटेल में बोल रहा हूँ आज के इस वीडियो में, और अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा है ना तो अभी के अभी लाइक ठोक दीजिए। कि लाइक ठोकोगे तभी बहुत सारे लोग आप जैसे हैं जो सफरिंग कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई अपना भाई बंधु यार समस्या में है और उस तक ये जानकारी नहीं पहुंची, अच्छी बात है ये, नहीं है ना। तो लाइक ठोको दबा करके, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब दूसरा सवाल इससे मिलता जुलता है कि मेरा लड़कियों में अट्रैक्शन कम क्यों हो गया है। इसका मैं जवाब देता हूँ आपको, लड़कियों में अट्रैक्शन कम पता है क्यों हुआ है? जैसे कोई फीमेल पहले मेल को देखती थी तो उसे अट्रैक्शन आता था, या मेल फीमेल को देखता था उसको अट्रैक्शन आता था। अभी क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन कम आता है, अट्रैक्शन कम नहीं आता। इसके पीछे का एक और कारण है, वो बताता हूँ मैं आपको। अब पता है क्या होता है, अब आपका डाउट चलता है। जैसे अब अगर पहली बात तो ये है कि आपको ओसीडी है तो माइंड में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और जो ओसीडी है तो स्वाभाविक सी बात है नेगेटिव घोड़ा तीव्र गति से दौड़ेगा और वही जीतेगा। वह कैसे जीतता है ये और समझा देता हूं मैं आपको। वह ऐसे जीतता है कि मान करके चलो आपने, जैसे एक मेल का एग्जांपल देता हूँ, मेल ने देखा फीमेल को तो पहले उसको अट्रैक्शन आता था, ऐसा करता था कि मन में हाँ मैं शादी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब वह क्या करता है कि अब वह चेक करता है मेरा अट्रैक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यह चेक करेगा ना वो, तो होगा क्या, अब जैसे मान करके चलो आप गूगल पे जाकर कोई चीज सर्च करते हो तो वहां कीवर्ड उठाते हैं, वह तो गूगल तो कीवर्ड उठाता है, गूगल हो गया यूट्यूब हो गया, वह तो कीवर्ड को उठाएगा। अब उसके साथ उससे मिलती जुलती अच्छी चीजें भी भेज देगा और उससे मिलती जुलती नेगेटिव चीजें भी भेज देगा, ठीक है, वो सारी आ जाती है लिस्ट में। तो जब आप अपने पे सर्च करते हो ना कि अट्रैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरा पहले जैसा अट्रैक्शन आ रहा है, क्योंकि वो सेल्फ डाउट हो रहा है आपका इसके अंतर्गत, और सेल्फ डाउट होता है तो नेगेटिविटी वाला जो घोड़ा है ना वह तेज गति से दौड़ता है। क्योंकि आपका पहली बात तो ये है कि आपका बिहेवियर माइंड अभी एबनॉर्मल स्टेज में है, और एबनॉर्मल में है तो उसमें कुछ भी चल सकता है, तो चलता है तो नेगेटिव थॉट चलता है, क्योंकि पैटर्न वही बना हुआ है ना आपका ओसीडी का, पैटर्न वही बना हुआ है तो वह नेगेटिव तरीके से चलता है, और नेगेटिव तरीके से चलता है तो वह चीज सर्च में आ जाती है जल्दी से जल्दी कि लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन कम हो रहा है। जब लड़कियों के बारे में सोचता हूँ तो मेल का ख्याल आ रहा है, पूरा उधर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो पीछे बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वो दूसरे वाले थॉट परेशान कर रहे हैं ना, सामने से देख लड़की को रहे हैं और पीछे से थॉट वो वाले चल रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, दोस्त में बेइज्जती ना हो जाए, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, कल को ऐसा हो जाएगा वैसा, ये पूरी एक विचारों की लहर चलती है आपकी। और यही लहर, वो जो आप बोलते हो ना कि फीमेल में पहले अट्रैक्शन आता था अभी आता नहीं है, कम कर देते। आई होप आपको जवाब मिला होगा, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से अच्छे से समझा दिया है आपको, ठीक है। नॉर्मल मैं इतना बोलता नहीं हूँ यूट्यूब पे, परंतु आज मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसी कश्मकश में उलझे हुए हैं। वह क्या करते हैं कि इसी कश्मकश के चक्कर में जाकर के गूगल पे सर्च करते हैं और वहाँ फंस जाते हैं, तो इसलिए मैं इधर पूरा डिटेल में बोल रहा हूँ ताकि उधर उधर ताकना झांकना न पड़े आपको, और समझ जाओ आप जल्दी से जल्दी, ठीक है। यह समझ लिया आपने अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, खास करके बहुत सारे जो मेल सफरर हैं उनके साथ में यह चीज़ होती रहती है, तो उनके दृष्टिकोण से मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा।
वह क्या बोलते हैं कि सर जब मैं अकेला होता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं किसी मेल के साथ टच न कर दूँ, गलत हरकत न कर दूँ जिससे मुझे नीचा देखना पड़ेगा, इधर मेरा गलत तरीके से अट्रैक्शन ना हो जाए, मैं कुछ एक्टिविटी न कर दूँ फिर मेरा बेइज्जती हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा वो, यह डाउट चलते हैं और इसके चक्कर में वह बाहर नहीं निकलते हैं और चार लोगों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं। और जिन मेल को यह प्रॉब्लम है वह मेल के साथ सामने जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे तो उनको अजीब सा घबराहट होगा, बेचैनी होगी। ऐसा फीमेल के साथ भी होता है, जिन फीमेल को HOCD है वह भी ऐसा करती है कि मैं कहीं किसी फीमेल के साथ बैठी हूँ और मैंने कहीं कुछ गलत हरकत कर दी तो क्या होगा, मेरा तो बेइज्जती हो जाएगा, ये हो जाएगा वह हो जाएगा, यह डाउट चलता है। ठीक है, तो अब हमें इस डाउट को समझना है कि यह डाउट क्या है और कैसे हो सकता है, इसको समझते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ऐसी हरकत कर दोगे? कि मुझे नहीं पता, मुझे तो थॉट आ रहा है, बस थॉट आ रहा है कि मैं ऐसी हरकत कर दूंगा और मुझे ऐसा लगता है और इसी वजह से मेरे को घबराहट होती है और मैं बाहर जाने से भी बचता हूँ या बचती हूँ, मैं लोगों के साथ बैठ नहीं पाता, उनसे बात नहीं कर पाता और जब बात भी करता हूँ तो दिमाग में यही चलता है कि मैं किसी के साथ बाइक पे जा रहा हूँ तो कहीं मैं किसी को गलत तरीके से टच ना कर दूँ, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये सब सवाल चल रहे हैं। इसको समझते हैं। इसके अंतर्गत एक ही सवाल निकल करके आता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ऐसा कर दोगे, इसके पीछे का कोई प्रमाण है आपके पास में? फिर इसके अंतर्गत मैं ART का फॉर्मूला अप्लाई करवाता हूँ कि आप ऐसा सोचिए कि क्या आप यह हरकत कर सकते हैं, जानबूझ करके कर सकते हैं, क्या सचमुच कर सकते हैं, क्या आपको करने में मजा आता है, क्या आप गलती से कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? 1% भी सच्चाई नहीं, तो फिर आपने इसको क्यों मान के रखा हुआ है? यह भी OCD का क्राइटेरिया है। सर्वप्रथम सबसे पहली बात यही तो समझिए ना कि ये OCD का क्राइटेरिया है और मेरे को OCD है तो OCD के अंतर्गत यह समस्या आ रही है। अब अगर कोई इंसान बाइसेक्सुअल है या गे है तो वह तो ऐसा कर सकता है, उसकी तो कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि उसके लिए तो यह सामान्य सी बात है ना, सामान्य सी बात है। अब अगर मान करके चलो आपको इसमें डाउट हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप और आपकी OCD इन दोनों के बीच द्वंद चल रहा है। OCD का तो क्राइटेरिया बन रहा है कि कहीं टच ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और जो आप हो आप उसके साथ सीधा तर्क कर रहे हो कि कहीं ऐसा करके मेरे साथ ये ऐसा संबंध ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए, फला ना हो जाए, धमाका ना हो जाए, ऐसा आप सोच रहे हो। जैसे मान करके चलो कोई गलत व्यक्ति है, कोई नशा बेचता है, कोई कुछ करता है, ठीक है, और आपके एरिया में रहता है और आपके बच्चे की उसके साथ दोस्ती है, तो आप उसको क्या कहोगे? रोकोगे ना उसको कि उसके साथ नहीं जाना, रोकोगे ना? यही थॉट की और आपके साथ जो द्वंद चल रहा है ना एक दूसरे के साथ कि OCD का क्राइटेरिया तो ये बोलता है, HOCD का क्राइटेरिया तो ये बोलता है, और आप बोलते हो कि ऐसा नहीं करना, तो ये आप दोनों के बीच द्वंद चल रहा है। इस द्वंद को ही तो रोकना है और वह कैसे रुकेगा? ART से। ART मैंने बताया ना अभी, तो इस तरीके से आप इसके अंदर काम करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आज के इस वीडियो में मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं और आप लोगों को बहुत सारा हेल्प भी मिला होगा। अगर हेल्प मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको इसमें किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।